क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ जो है वो अपनी डेली रूटीन से करूँगी और इसके अलावा ये कि आज हमने दिन में जो है वो मटरों वाले चावल बनाने हैं साथ रायता, और उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और अपने घर की कुछ रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आपको पता है अभी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उनके साथ भी काफ़ी बिजी हूँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता कुछ भी करने का। ऐसा लगता है कि बस वीडियो भी बनाने के लिए ऐसा लगता है पूरा मतलब प्रिपेयर करने पड़ती है रूटीन, तो फिर काफ़ी हद तक नहीं बना पाती, जल्दी से होता है काम ख़त्म करूँगी बच्चों को भी पढ़ाना है। तो वैसे आपको पता है सीज़न चेंज होने की वजह से दिन भी छोटे हो गए एकदम से, ना दिन का पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता। चलें अपनी रूटीन जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलें किचन में आ गई हूँ, घर देख रही हूँ उनके गाँव से सारे लोग, तो आज मैं बना रही हूँ कीमा फ्रांस बीन की फलियाँ साथ। सबसे पहले मैं प्याज कटिंग करके वो शामिल कर रही हूँ। अच्छा, हमारा ये है कि थोड़ा पानी का मसला बना है आज तो दो दिन से, तो बस इसीलिए पानी बहुत प्याज से इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो मुझे रूटीन से आदत है कि कपड़े इकट्ठे मैंने कभी भी नहीं किए, मतलब हफ्ते बाद या इस तरह कभी नहीं धोए, जितने हफ्ते मैं साथ साथ क्लीनिंग के साथ साथ वॉशिंग का काम भी कर लेती हूँ, कपड़े धो के फारे हो जाते हैं, मुझे ऐसे ही बस टेंशन रहती है। तो ये है कि अल्लाह करे पानी आ जाए। अच्छा, हमारी गली में ना इतना बाइक का और इनका इतना शोर होता है कि बस
पूरा दिन परफेक्ट जो है ना, ये घर भी हमारा कॉर्नर है। प्याज रेड ब्राउन होगा तो इसमें मैंने चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो शामिल कर दिया। ये मैंने कीमा वॉश कर लिया, ये चिकन का घी, ये मैं धो लूंगी। अब इसमें ये देखिए लाइट ब्राउन हुआ है लहसुन और प्याज, इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया। अच्छा, मैं हर सब्जी में ना ये देखिए मैंने ये मेथे और मेथी दाना और ये कलौंजी जो है वो मिक्स करके मैं लगाती हूँ। अब इसमें मैं ये फलियाँ शामिल कर। अच्छा जी, ये मैं फलियाँ डालने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाला, अब इसे मैं बिल्कुल हल्की आँच पे और साथ ही मैं आटा जो है वो देंगे। अच्छा, साथ साथ किचन साफ करके लाजमी चूल्हा वगैरह साफ करके फिर किचन से बैठ जाऊँ। चले जी, अब इसके बाद मैं आपको तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है वो सालन की फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि अब तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट हुए दम पे लगाया। अच्छा जी, ये सालन की फाइनल लुक है और बस अब रोटी बना के तो हम लोग खाना खाने लगे हैं। और आप अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। अच्छा जी, तो व्यूवर्स, आपने अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।